सुलेमानी की मौत का ईरान लवेगा बदला। आखिर ईरान ने क्यों फहराया जामकरण मस्जिद च लाल झंडा? कि झंडा लहरा ईरान ने किया युद्ध का ऐलान? अमरीकी एयर स्ट्राइक च ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत तो बाद हुण ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिता है। ईरान ने जामकरण मस्जिद के उपर लाल झंडा फहरा के युद्ध के लिए अलर्ट किया। दस दिए कि अजे हालात के लाल झंडा फहराने का मतलब यह मनिया जाता है कि युद्ध के लिए तैयार रहो या फिर युद्ध शुरू हो चुके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजिहा पहली बार होया है जदों ईरान ने इस तरह मस्जिद के उत्ते लाल झंडा फहराया होवे। दस दिए कि कौम स्थित जामकरण मस्जिद के डोम से आम तौर पर धार्मिक झंडे फहराए जाते हैं। अजिहे च धार्मिक झंडे को हटा के लाल झंडा फहराने का मतलब युद्ध के ऐलान के रूप में ही देखा जा रहा है। जाहिर है कि ईरान अपने देशवासियों को स्थिति के लिए तैयार कर रहा है जो उन्होंने पहला कदे नहीं देखी। हालांकि ईरान ते इराक दे विच जदों युद्ध शुरू होया तो ईरान ने लाल झंडा नहीं फहराया सी, पर हुण ईरान दे वल्लों जामकरण मस्जिद के उत्ते लाल झंडा फहरा दिता गया। इत्थे दस दिए कि लाल झंडा खून ते शहादत का प्रतीक मनिया जाता है। ताजा हालात दे विच इसका प्रयोग सुलेमानी ईरान की मौत के बदले के रूप में भी देखा जा सकता है। इत्थे भी दसणयोग है कि जामकरण मस्जिद नूं ईरान की सब तो पवित्र मस्जिद मनिया जाता है जिथों के नौजवान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ने। अजिहे दे विच ईरान दे वलों इस मस्जिद ते फहराया लाल झंडा युद्ध रूप में ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी। कनेडा का स्टडी वीज़ा सिर्फ 5 लाख रुपए दे विच 5 लाख रुपए देना तुसी वीज़ा लगन तो बाद देना जिदे विच तुहाडी 1 साल की कॉलेज की फीस इंकलूड है। तुसी ब्रैम्पटन जाना चाहते हो, सरी जाना चाहते हो, सिर्फ 5 लाख रुपए जाओगे। बेताज बादशाह तकदीर कदों बदलेगी, सच्चा प्यार मिलेगा जा नहीं, लॉटरी नंबर पाओ। जेकर तुहाडा अजे तक काम नहीं होया तां इधर उधर ना भटको, सानू फोन करो। मियां रफीक मोहम्मद